तो इस टाइप का एलईडी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगा। और ये आप चाहे तो अपने लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं, प्राइस ज़्यादा नहीं है। इसके साथ आपको मिलेगा एक ऐसा मेटल होल्डर, तो इसमें आपको थोड़ा सा ड्रिल करवाना पड़ेगा, अदरवाइज ये वहाँ पे फिट नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ड्रिल करके मैंने इसका जो होल है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लिया है ताकि वो प्रॉपरली वहाँ पे फिट हो पाए। और उसके बाद लगेगा ऐसा नट बोल्ट जिसका आपका लेंथ होना चाहिए 2 से 2.5 इंच तक, उसको आप इसमें फिट कर लेंगे। इसको एकदम से टाइट करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा फेविक्विक लगा देंगे ताकि ये एकदम से ना खुले। तो बाइक के सीट खोलने के बाद आप लोगों को यहाँ से ऐसे बहुत सारे तार दिखाई पड़ेगा, तो इन तारों में से आप लोगों को देखना होगा आपका बैक लाइट का तार कौन सा है। तो उसको समझने के लिए आप जो कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 तार एक साथ आया है, बाकी जो तार है दो दो करके अलग अलग तार है। तो वो जो दो दो अलग करके है वो आपके इंडिकेटर का है, और जो 3 तार एक साथ से निकला है वो आपका बैक लाइट का है।
लास्ट वीडियो था साइड स्टैंड इंडिकेटर के ऊपर, उसमें मेरा ये तीनों टिप एक्स्ट्रा बच गए थे। यहाँ पे बैक लाइट का आप लोगों को मेनली तीन तार दिखाई पड़ेगा, तीनों का अलग अलग कलर है। यहाँ पे ब्लैक वाला आपका नेगेटिव का है और ब्लू वाला आपका बैक लाइट का है, और आपको जो येलो वाला तार दिखाई पड़ रहा है ये आपका है ब्रेक लाइट का। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे तार सारे ब्लैक ही है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग इसमें मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे एकदम लेफ्ट साइड में जो तार है वो आपका नेगेटिव का है, और राइट साइड में जो तार है वो आपका पॉजिटिव का है, और बीच वाला जो तार आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला आपका है आपका ब्रेक लाइट का। इसको पूरी तरह से कवर करने के लिए मैंने यूज़ किया एक फोम पैड का। आप चाहे तो दूसरा कोई इस टाइप का प्लास्टिक का भी कुछ यूज़ कर सकते हो, कुछ भी जो ये जगह को थोड़ा कवर कर दे ताकि ये ऐसे खुला हुआ ना दिखे। और उसको आप लोग ऐसे डबल साइड टेप से वहाँ पे लगा सकते हो। आप लोग चाहे तो उसको ऐसे भी लगा सकते हो। ये वाला बैकलाइट आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, मैंने इसको मार्केट से ही खरीदा। इसका प्राइस 80 रुपीज है। मैंने इसमें जो किया इसमें एरे लाइट लगा के इसको 2 दिन के लिए सूखने के लिए रख दिया, इसके कारण से ये थोड़ा वाटरप्रूफ हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन इंस्टॉल द एलईडी लाइट इन योर एफसी।